कभी सोचा है अगर धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी हो जाए तो क्या होगा? दरअसल इसका जवाब देने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर वातावरण में कितनी ऑक्सीजन होती है जिसमें हम जीते हैं। साइंस पर लिखने वाले एक इंटरनेशनल वेबसाइट के मुताबिक हमारे वातावरण में करीब 20% ऑक्सीजन और जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। एक व्यक्ति एक दिन में करीब 23,000 बार सांस ले सकता है। ऑक्सीजन जब शरीर में जाती है तो वह हमारे दिमाग और हमारे सेल्स को स्वस्थ रखने का काम करती है। शरीर में 90% एनर्जी ऑक्सीजन से ही आती है जबकि बाकी एनर्जी खाने पीने के जरिए मिलता है। अगर ऑक्सीजन दोगुनी हो जाए तो क्या होगा? जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच आदि, उनका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही, जी हाँ, जैसा कभी कभी आपने छोटे कीड़ों को हॉलीवुड मूवी में एक बड़े आकार में देखा होगा। यानी एक चींटी का आकार एक कबूतर के बराबर भी हो सकता है। साइंस के मुताबिक 30 करोड़ साल पहले जब धरती के वातावरण में करीब 30% ऑक्सीजन थी तब कीड़े मकोड़ों का साइज काफ़ी बड़ा था। जंगल की आग और विनाशकारी हो जाएगी। वातावरण में ज़्यादा ऑक्सीजन होने से आग की घटनाएं बढ़ जाएंगी और जल्दी जल्दी आग लगने लगेगी। माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जितनी ऊंची चोटी पर भी पहुंचकर भी ऑक्सीजन आसानी से ले सकते। सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन न सिर्फ हमारे लिए एक जरूरी है बल्कि एक ग्रह के रूप में पूरी धरती का संतुलन भी बनाता। अगर धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो संतुलन बिगड़ने का भी डर रहेगा। जनाब, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए किक टू फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।